गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू चुमाथांग। दोस्तों जैसे कि आपको पता है, कल रात को हम हनले से चुमाथांग तक पहुंच गए थे क्योंकि रात हो गई थी। हमने जाना था ले को, लगभग हम 7:30 बजे शाम को पहुंच गए थे यहाँ पे चुमाथांग, और हमने ये होटल ले लिया था। और ये बिल्कुल न्यूली बिल्ट होटल है, अभी तक बोर्ड भी नहीं लगा। ये देखिए सामने, बिल्कुल अभी नया होटल है और हमारी फर्स्ट एंट्री हुई थी। तो हमें 1000 रुपये में डील मिल गई थी, 3 बेड मिल गए थे, तो काफ़ी अच्छी डील मिल गई थी। वेदर भी अच्छा था, ठंडा मौसम था रात को। और सामने आप विलेज देख रहे हैं, ये है चुमाथांग विलेज। और मैं बता दूं, जो हॉट वाटर स्प्रिंग है वो यहाँ से जस्ट 2 किलोमीटर की दूरी पे है, और रिवर के बिल्कुल साथ साथ यहाँ पे पानी निकलता है बहुत गर्म गर्म। चुमाथांग फेमस फॉर हॉट वाटर स्प्रिंग। अगर आप चुमाथांग आए तो एक बार जरूर आप हॉट वाटर स्प्रिंग जरूर देखें, बहुत ही शानदार है। तो आज का हमारा प्लान है ले जाने का, तो हम लगभग मैक्सिमम 4 आवर्स में हम ले पहुंच जाएंगे। उसके बाद हम आगे ले को भी एक्सप्लोर करेंगे आज को। दोस्तों हमारी आज की राइड शुरू हो चुकी है, आज है day 9 और कल हम आए थे चुसूल से हनले होते हुए चुमाथांग में। रात हाल्ट हमारा चुमाथांग में था, तो यहाँ पे चुमाथांग जो है हॉट वाटर स्प्रिंग के लिए फेमस है। तो रात अधिक हो गई थी, हमें 7:30 बज गए थे, जिसकी वजह से हमें रात को चुमाथांग रुकना पड़ा। तो अभी हमारा जो डिस्टेंस कवर करना है ले जाने के लिए वो है 138 किलोमीटर, और हमारे साथ साथ चल रही है इंडस रिवर। दोस्तों TSO मोरेरी लेक अगर आपको जाना है तो आपको ले से हनले वाला ही रूट लेना पड़ेगा, या आप हमारी तरह भी आ सकते हैं, लेकिन उसमें 3-4 दिन लग जाते हैं क्योंकि हम ले से आए थे नूबरा से, फिर हमने तुतुक गए थे, तुतुक में फिर हम थलसर पे रुके थे, थलसर से फिर हम पेंगोंग लेक होते हुए चुसुल में आए थे, तो चुसुल से फिर नेक्स्ट हम गए धजांगला होते हुए हम हनले जो ऑब्जर्वेटरी है उसके बाद आ गए थे हम चुमाथांग। लेकिन हमने जाना था TSO मोरेरी लेक देखने, लेकिन उसके लिए परमिट की रिक्वायरमेंट होती है। जो चुमाथांग से 22 किलोमीटर पहले एक माहे ब्रिज है, वो पुलिस पोस्ट है, उस पुलिस पोस्ट से आपको जाना पड़ता है राइट हैंड को अगर आप ले से आते हैं, और लेफ्ट हैंड को अगर आप हनले से आते हैं। तो उसके लिए आपको परमिट की रिक्वायरमेंट होती है, इनर लाइन परमिट। हमारे पास नहीं था, नहीं तो हमने जाना था, हमें रोक दिया गया लेक देखने के लिए, तो हम फिर आगे चुमाथांग में रुके, वरना हमने TSO मोरेरी लेक पे जाके वहां पे स्टे करना था। दोस्तों अभी माउंटेन से निकल के एक स्टेट रोड पे आ गए हैं हम, और ये देखिए बिल्कुल स्टेट रोड है और काफ़ी शानदार रोड है। इससे पहले तो बहुत ही हमें मिक्स टाइप रोड मिली है, लेकिन कंस्ट्रक्शन वर्क काफ़ी चल रहा था। अभी जो ले का डिस्टेंस है आई थिंक 60 किलोमीटर रह गया है, हम तकरीबन 12:30 के आस पहुँच जाएंगे ले में, के बाद हम एक्सप्लोर करेंगे ले को। तो ये रूट काफ़ी कुछ देखने का है, अगर आप ले से हनले आते हैं, ले से आप भी जा सकते हैं, न्योमा जा सकते हैं, और इस रूट पे काफी कुछ देखने को है और रूट भी काफी अच्छा है, शानदार है। दोस्तों अभी हम ठीक से विलेज पहुंच गए हैं, और ले का जो डिस्टेंस रह गया है वो जस्ट 19 किलोमीटर रह गया है। और ये जो सामने देख रहे हैं ये है ठीक से मोनेस्ट्री, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मोनेस्ट्री है और बिग मोनेस्ट्री है लद्दाख में। तो मैं बता दूं कि ये 12-स्टोरी मोनेस्ट्रीज है, और इसमें फेमस चीज क्या है कि यहाँ 50 फुट का बुद्धा का स्टेचू है जो आप देख सकते हैं, जिसने दो मंजिल कवर कर रखी है। काफी कुछ देखने को है, यहाँ की बहुत शानदार पेंटिंग्स है और बहुत ही पुरानी वास्तुकला आपको देखने को मिलेगी। अगर आप ले आते हैं तो आप लद्दाख ले विजिट में आप ये थिक्से मोनेस्ट्री भी विजिट कर सकते हैं, काफी शानदार है। तो अब हम चल रहे हैं ले की तरफ।
दोस्तों आप राइट साइड को जो स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं ये है शे पैलेस और शे मोनेस्ट्री। तो अगर आप ले आते हैं तो आप अगर लोकल घूमना चाहते हैं तो उसमें आप यहाँ पे भी आ सकते हैं। ले से जो डिस्टेंस है शे पैलेस का जस्ट 15 किलोमीटर है और थिक्से का 19 किलोमीटर है, तो 4 किलोमीटर बाद थिक्से भी आ जाती है। तो ये दो जगह की फेमस प्लेसेस हैं अगर आप ले घूमने आते हैं। हमारे पास अभी समय की कमी है, हमने काफी ले घूमना है, तो अभी हम जा रहे हैं अपने प्लेस पे, वहां जाके थोड़ा रिलैक्स करके फिर हम निकल जाएंगे लेह को घूमने के लिए। सबसे पहले आए हैं हम यहाँ पे ये लेह पैलेस देखने। ये मेरे पीछे है लेह पैलेस और ये लेह सिटी है और पीछे पहाड़, काफी शानदार है ले पैलेस। ये लगभग 300-400 साल पुराना है। अभी अंदर जाएंगे। ये 1553 में बना था, शानदार। महल है जिसके सबसे 9th लेवल पे हैं और ये यहाँ से पूरा सिटी का व्यू नजर आता है और ये मेरे पीछे शांति स्तूप नजर आएगा आपको। ये शांति स्तूप है और ये पानी है और ये पहाड़ पूर सारे मस्त जगह है। दोस्तों अभी हम हॉल ऑफ फेम देखने आए हुए हैं लेह में। इसमें पूरे 47 की लड़ाई और 62 कारगिल सभी कुछ दिखाया गया है और पाकिस्तान के जो हथियार पकड़े गए थे वो भी यहाँ पे डिस्प्ले किए गए। काफ़ी कुछ है देखने को और इसकी टिकट 100 रुपये है पर पर्सन और अगर कैमरा लेके जाओ तो 20 रुपये एक्स्ट्रा है। और मौसम बहुत शानदार है। दोस्तों ले में हमारा ये आखिरी डे है, कल हम मनाली को निकलेंगे और ये ले की मार्केट है बहुत ही शानदार मार्केट। आज शॉपिंग की हमने और बाइक को चेन लूप वगैरह थोड़ा साफ सफाई हुई क्योंकि पिछले 3-4 दिन में बहुत ही ऐसे रास्तों से हमने बाइक चलाई है जहाँ सड़क ही नहीं है 200-300 किलोमीटर, जिसकी वजह से बाइक काफ़ी ढीली हो गई थी। और ये मार्केट का मज़ा ले लो। और सुरेंद्र भाई, मैं तो साथ में ही हूँ। और ये अजय भाई, हाय।
गर्म कपड़े बहुत अच्छे मिलते हैं, गर्म सामान और काफ़ी फैंसी आइटम, तिप्ती आइटम्स बहुत कुछ मिलता है, बहुत बढ़िया मार्केट है। लेकिन बार्गेनिंग करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा रेट बोलते हैं और रेट को कम कराना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, कल मिलेंगे आपको।